आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। तो इंडोनेशियाई एक मुखी रुद्राक्ष की पहचान। इंडोनेशियाई एक मुखी रुद्राक्ष पाना संभव है, बरसात की आपका जरिया ठीक हो। यह छोटा दाना होता है, अधिकतम 10 मिली लंबा और मध्यम में 4 मिली चौड़ा और अंडाकृति होती है। यह इंडोनेशियाई द्विमुख के सदस्य है। फर्क इतना है कि एक तरफ एक लकीर पूरी होती है, उस दूसरी तरफ एक दाना बंद करती हुई अधूरी होती है, जबकि द्विमुखी रुद्राक्ष के दोनों लकीरें पूरी होती है। सभी मुखों के इंडोनेशियाई दाना का विच्छेद करने से पाया लगा है कि पितृ दरार और बाहरी मुख समान संख्या में होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के एक दरार तो द्विमुखी में दो इत्यादि। चंद्रकार एक मुखी में एक चौड़ी दरार होती है। द्विमुखी और त्रिमुखी चंद्रकार भी यही हाल है। हरिद्वार के द्विमुखी, त्रिमुखी और चतुर्मुखी रुद्राक्षों में भी भीतर एक ही दरार होती है। यह रुद्राक्ष के मुखों की जायब परीक्षा है, जो नेपाली और इंडोनेशियाई दोनों प्रकार के दानों को लागू होते हैं और पुराणों में कथित अन्य लक्षणों के भी अनुसार है। जो एक मुखी रुद्राक्ष चाहते हैं उनके लिए आज की तारीख में अगर प्राप्त हो सके तो इंडोनेशियाई दाना सर्वोत्तम है। अन्य क्षेत्रों से प्राप्त एक मुखी रुद्राक्ष कभी कभी पाय गोल रुद्रानुमा दाने मिलते हैं, जिन पर कांटे या उबार होते हैं। कई बार इनके एक मुख होता है, परंतु इनमें नैसर्गिक छिद्र नहीं होता और ये वजन में हल्के होते हैं। इन्हें रुद्राक्ष के रूप में स्वीकार न किया जाए। अंडमान निकोबार, ताहित और ब्राज़ील में उपलब्ध दानों की यह प्रकृति पाई जाती है। 30 स्थानों में जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, तंबेकेश्वर और नासिक इत्यादि स्थानों में बड़ी दुकानों में नकली एकमुखी रुद्राक्ष बिक्री की तमाम सरकड़े इस्तेमाल करके खुलेआम बिकता है। ऋषिकेश के कई दुकानों में ऐसे दानों को बड़ी सजावट से लाल कपड़े पर रखकर आसपास सिंदूर फैलाना आम बात है। विक्रेता आपसे कहेगा कि पवित्र रुद्राक्ष सुबह तक नहीं दिखाई जाएगा, जिसकी सर्वसाधारण भोला ग्राहक दाने की असलियत मांग ले। ऐसे अधिकांश दाने हरिद्वार, देहरादून के द्विमुखी या त्रिमुखी से बने होते हैं और एक या दो लकीरें धारदार औजारों से काटी गई होती हैं। और कई नकली एकमुखी रुद्राक्ष पंचमुखी दानों के पांच लकीरें मिटाकर बनते हैं। नकली एकमुखी बनाने वाले कारीगर सिर्फ ऐसे दाने को चुनता है जिस पर लकीरें गहरी नहीं होती, जिससे कि 4-5 रेखा मिटा देने पर भी गोल आकार बना रहे। ऐसे रुद्राक्ष आसाम क्षेत्र में से मिलते हैं। एक चालबाजी यह होती है कि लकीरों की ऊपरे दाने के टुकड़े लगा दिए जाते हैं, जिससे कि बोला बोला ग्राहक लकीरों को करीब से भी देख न पाए। ऐसे भी लोग हैं जो शीशम या अन्य लकड़ी के रुद्राक्ष के आकार के दाने बनाते हैं, जिनमें त्रिशूल, सर्प, ओम,
शिवलिंग आदि की आकृति होती है और एक गहरी खांच होती है। पता चलता है कि अच्छे खासे कारखाने की जहां ऐसी प्रक्रिया की जाती है। उत्तर प्रदेश की और पश्चिम बिहार में प्राप्त रुद्राक्ष कई बार नकली एकमुखी बनाने के काम आते हैं। भद्राक्ष का दाना चपटा होता है और उसके पुष्प भाग की बनावट लकीरों की रुद्राक्ष जैसी होती है, पर इसे पहचाना एकदम आसान है। भद्राक्ष में ज़्यादातर तो दो कभी कभी तीन मुखे होते हैं और उनका उपयोग नकली एकमुखी रुद्राक्ष बनाने के लिए करते हैं। इसके लिए एक लकीर मिटा देते हैं और दूसरी तरफ शिवलिंग, योनि, सर्प या ओम की आकृति तराशते हैं। एक मुखी अंध्रचंद्रकार 10-20 वर्षों में एक मुखी के विकल्प के रूप में लोकप्रिय हुआ है। यह एलिओपस ट्यूबरकुलेटिस प्रजाति का है। एक मुखी चंद्राकार अक्सर नेपाली एकमुखी के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। यह एक मान्यता है कि क्योंकि इससे सच्चे एकमुखी के गुण नहीं हो सकते, जैसे कि नैसर्गिक छिद्र, पृष्ठभाग की बनावट, धनत्व और आकृति, अंदरू की बनावट, हद तक इससे एक ही चौड़ा खाना होता है। द्विमुखी, त्रिमुखी या चतुर्मुखी चंद्राकार में भी भीतर एक ही दाना खाना होता है, जो कि सर्वसामान्य रुद्राक्ष के मुख गिनती की पद्धति से मेल नहीं खाता। पहनने के लिए इसे विशिष्ट डिजाइन की पकड़ में रखते हैं, इससे छिद्र नहीं बनाते। अतः चंद्राकार हमारे पुराणों की परिभाषा में रुद्राक्ष नहीं है। देखा गया है कि टीबी की वाहिकाओं पर चंद्राकार एक मुखी को बारी प्रसिद्ध दी जा रही है। उसको गुणों को अतिशयोक्ति हो रही है। फल संबंध से यह दावे शिल्प नेपाली या इंडोनेशियाई एक मुखी के हो सकते हैं और उपभोक्ता ध्यान में रखे कि अंध्रचंद्रकार दानों के लक्षण सच्चे एक मुखी या मात्र रुद्राक्ष के भी नहीं हो सकते। आजकल अधिकांश चंद्रकार दाने हाथ से इंजेक्शन मॉडलिंग द्वारा धराए जाते हैं और ये दाने चीन में उत्पादित होते हैं। अलग अलग आकृतियों देने के लिए दर्जनों सोजा का इस्तेमाल होता है। कुछ नकली रुद्राक्ष साधारण लकड़ी, सुपारी या जंगली बेर से के बीजों के बनाए जाते हैं और इन पर शिवलिंग, सर्प, चंद्र, ओम आदि तराशे जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद।